With the new VoIP scan app, you no longer need to pay for your calls. You will immediately receive a welcome bonus to your account. If the balance is over, you will be offered to watch the video and will be credited for that view in bonus minutes. Call anywhere in the world, be it landline, phone, fixed line. The average expense of subscribers on VoIP scan app per month is $1.50. So yes, it is profitable. Like any other app, you can chat with other users. And one more thing, call and chat inside the application are free as in any messenger. So you can download this app from the link in the video description. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के फिफ्थ जनरेशन फाइटर नेवल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट NAVY-AMCA के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमने कल ही रिपोर्ट किया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ ADA जिन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कन्फर्म किया है कि NAVY-AMCA की जो फिजिबिलिटी स्टडीज है उसे कंप्लीट कर लिया गया है और इसके डिजाइन को भी कंप्लीट कर लिया गया है और डिजाइन से निकलेगा फ्लेक्सिबिलिटी रिपोर्ट को इंडियन नेवी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा, 2016 में इंडियन नेवी ने ADA को अप्रोच किया था एक कैरियर बेस्ड डेक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कि नेक्स्ट जनरेशन का हो। और ADA की तरफ से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि NAVY-AMCA 2030 के बाद प्रोडक्शन फेज में जाने वाला है, तो जो कि एक काफी लंबा टाइम है। तो उस टाइम पीरियड में एक नेवल एयरक्राफ्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इस वीडियो में हम उस बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि एक आइडियल नेवल फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक, मतलब किसी भी नेवल एयरक्राफ्ट का जो फ्यूल टैंक है वो बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके पास एक सिग्निफिकेंट कॉम्बैट रेडियस हो और फेरी रेंज हो, जो कि काफ़ी आवश्यक हो जाता है किसी भी नेवी बेस्ड फाइटर के लिए। और किसी भी नेवल एयरक्राफ्ट के लिहाज से एक ग्रेटर फेरी रेंज होना सिर्फ आपकी नेवी की जो सर्विलेंस है उस कैपेबिलिटी को तो दर्शाता ही है, साथ ही जो आपकी वेपन की रीच है उसको भी और इंक्रीज करता है। तो उस लिहाज से किसी भी फाइटर जेट का जो फ्यूल टैंक है वो कन्फॉर्मल होना ही चाहिए। और उसके लिए कहीं ना कहीं NAVY-AMCA में ट्रांसफॉर्मर रीइंफोर्समेंट करना ही पड़ेगा। बात करते हैं दूसरे फीचर की, तो दूसरा फीचर है स्टेल्थ। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ये एयरक्राफ्ट 2030 के बाद मैन्युफैक्चरिंग फेज में जाएगा, तो उस दौरान एक स्टेल्थी फाइटर होना अपने आप में ही समय की मांग हो जाती है। ये हेल्प करेगा दुश्मन के एरिया में इंडियन नेवी को बिना डिटेक्ट अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। बात कर लेते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट की, जो कि उस समय ड्यूरेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा, और वो है काउंटर डायरेक्ट एनर्जी वेपन। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में इस तरह के वेपन काफ़ी प्रचलन में होंगे, और इस तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन को काउंटर करने के लिए काउंटर एनर्जी वेपन्स किसी भी आइडियल नेवल एयरक्राफ्ट में होना ही चाहिए, जिनका टाइमलाइन 2030 से लेकर 2035 तक का है। आपको बता दूं, ये हाई एनर्जी लेजर्स और हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम काफ़ी दिनों से रिसर्च और डेवलपमेंट में हैं, और साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार का वेपन का यूज करके नेवल एयरक्राफ्ट को और पावरफुल बनाया जा सकेगा। और इस तरह के वेपन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अगर आपके ऊपर कोई स्मॉल बोट से अटैक करता है, तो उस दौरान इस तरह के काउंटर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स काफ़ी हैंडी होंगे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट पे। बात कर लेते हैं अगले फीचर की, जो कि होनी चाहिए, और वो है ट्रांसफॉर्मर कैपेबिलिटी। तो बेसिकली किसी भी एयरक्राफ्ट की ट्रांसफॉर्मर कैपेबिलिटी वो चीज़ होती है जो कि उस एयरक्राफ्ट के बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक रिक्वायरमेंट को चेंज किए बगैर उसका जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई किया जाए। जैसे कि NAVY-AMCA कैपेबल होना चाहिए फोल्डेबल विंग को इम्प्लीमेंट करने में अपने आप में, जो कि डेक्स पे इसके रखरखाव में काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगा। और इस तरह के ट्रांसफॉर्मर कैपेबिलिटी के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर इन फ्यूचर किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उन फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए उस एयरक्राफ्ट में बिना किसी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किए। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मर कैपेबिलिटी में गिनी जाती हैं, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मर कैपेबिलिटी NAVY-AMCA में होनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगले फंक्शन की, तो वो है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस। तो कोई भी एयरक्राफ्ट ये तीनों फंक्शन और ये तीनों ऑपरेशन परफॉर्म करने में सक्षम होना चाहिए उस दौर में, और ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया के NAVY-AMCA में एक पावरफुल सेंसर पैकेज और सॉफ्टवेयर सिस्टम इम्प्लीमेंट किए जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो इस तरह का कोएलिशन अगर NAVY-AMCA में किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के साथ साथ पायलट को 360 डिग्री कवरेज प्रदान करेगा, और इस तरह का एडवांस कोएलिशन एडवांस सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैकेज के साथ NAVY-AMCA को विश्व के फाइटर्स के साथ कंपेरेबल बनाएगा उस दौर में। बात कर लेते हैं अगले फंक्शन की, तो वो है इंटरऑपरेबिलिटी। तो जी हाँ दोस्तों, ये फंक्शन किसी भी एयरक्राफ्ट को इस कैपेबल बनाता है कि वो डिफरेंट तरह के सोर्सेज से आ रहे डेटा को एक जगह गैदर करके किसी मिशन को लीड करे। जैसे कुछ डेटा कुछ ग्राउंड रडार से, कुछ नेवी के रडार से, कुछ IAF के इंटेल से, और इसी तरह कुछ इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट से। तो इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करके किसी ऑपरेशन को लीड करने की जो कैपेबिलिटी है वो NAVY-AMCA में होनी चाहिए, और यही कैपेबिलिटी NAVY-AMCA को बनाएगी इंटरऑपरेटेबल। बात कर लेते हैं अगले फीचर की, जो कि है एक पावरफुल इंजन। तो जी हाँ दोस्तों, एक पावरफुल इंजन का होना किसी भी नेवल एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी क्रूशियल है, जैसा कि इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक पावरफुल इंजन होता है तो वो डिसाइड करता है कि आपकी
जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो कितनी होगी। और जैसा कि आप सब जानते होंगे एमका के लिए डीआरडीओ एक जेवी का आरएफआई पहले ही रिलीज कर चुकी है इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखने वाली बात ये होती है कि इस इंजन मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर में कौन कौन से फॉरेन वेंडर्स पार्टिसिपेट करते हैं और किन्हें सेलेक्ट किया जाता है। और इस सिलेक्शन के बाद ही एमका के लिए एक पावरफुल इंजन बनाया जाएगा जो कि लेटर फेज के IAF के एमका में तो लगेंगे ही लेकिन इंडियन नेवी के एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर्स में भी लगाए जाने की प्लानिंग है। वैसे तो 2030 के बाद जो भी नेवल एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे उनमें ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि वर्टिकल लैंडिंग की जाए। देखने वाली बात यह होती है कि इंडियन नेवी और इंडिया की डिजाइनिंग बॉडी इस टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी कंफर्टेबल है। वैसे तो इंडिया की डिजाइन बॉडी AD है ऐसी प्लानिंग कर रही है कि जो इंडियन एयरफोर्स के एमका होंगे उनको भी इस कैपेबल बना दिया जाए कि वो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से फ्लाई कर पाएंगे कुछ अपग्रेड के बाद। और ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले डसॉल्ट एविएशन ने भी ऐसा किया हुआ है अपने राफेल एम के साथ, जो कि डसॉल्ट एविएशन द्वारा राफेल एयरफोर्स वर्जन और राफेल मरीन वर्जन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन इस तरह के एयरक्राफ्ट को बनाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है जो कहीं ना कहीं एयरफोर्स के लिए जो एरोडायनामिक्स की रिक्वायरमेंट होगी और नेवी के लिए जो लिफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। इस चीज़ को बैलेंस करना काफी चैलेंजिंग टास्क है लेकिन कहीं ना कहीं ADA इस चीज़ को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। तभी मीडिया में ऐसा बयान रिलीज किया गया है कि वो प्लान कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जो एयरफोर्स कैम का होंगे उनको कुछ चेंजेस के बाद नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ाया जा सकेगा। जैसा कि आपको बता दूं ये जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर नेवल एम का होंगे ये इंडिया के इंडिजिनस INS विक्रांत और INS विशाल इन दोनों पे अपनी सेवा प्रदान करने वाले हैं। अगर आपके हिसाब से कोई और फीचर है जो कि फ्यूचर के नेवल एयरक्राफ्ट में होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हो। तो इस डिफेंस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।